नमस्कार, मैं अरुण छाजेड फ्रॉम गांधीनगर न्यू दिल्ली। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अगर मैंने आईटीसी कल रात तक नहीं लिया, मेरा रिटर्न फाइल नहीं हुआ या रिटर्न फाइल हो गया बट अभी भी मुझे लगता है कि मेरी कुछ आईटीसी छूट गई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, क्या मैं उसे ले सकता हूँ? आंसर इज यस। थोड़ा कैलकुलेशन है मेरा जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर आपको लगे तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, बट काइंडली नॉट टू बी ट्रीट एनी एडवाइस, एनी कंसल्टेंसी, एनी सजेशन और एनी सजेस्टेड मेथड टू फॉलो। स्टार्ट करते हैं सर, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए अभी भी कितने अमाउंट की आईटीसी है जो आपने नहीं ली, जो क्लेम करनी चाहिए थी विच पर्टेन टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप अच्छे से जानते हैं 2A वर्सेस 3B करके, टैली वर्सेस 2A, टैली वर्सेस 3B, जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं वो आप अप्लाई करके आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कितने अमाउंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी भी मेरे से छूट गया है, जो कि लास्ट ईयर का था। 20 अक्टूबर तक लेना था, 20 तारीख तक लेना था मुझे, बट मैं नहीं ले पाया हूं। कोई जल्दी नहीं है, अच्छा टाइम है। एंड ये आइडेंटिफाई कर लिया, से फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए निकल के आते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको कि अब आप एक काम कीजिए, आप अप्रैल 2018 से लेके सेप्टेम्बर 2018 तक की जितनी भी जीएसटीआर 3B फाइल की है उसमें से आप ऑल अदर आईटीसी, जितनी भी आईटीसी क्लेम की है उसका एक टोटल कर लीजिए। ठीक है, पहले स्टेप्स में क्या किया आपने, आइडेंटिफाई किया कि वो आईटीसी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से पर्टेन करती है जो छूट गई है, लेनी बाकी है। दूसरा क्या किया आपने, अप्रैल 18 से लेकर सेप्टेम्बर 18 तक टोटल किया आईटीसी कितना क्लेम किया आपने। वो डेफिनेटली, मैं ये नहीं कह रहा वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है, वो करंट फाइनेंशियल ईयर का होगा। मैं आपको उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं करना कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, सिंपली आपको टोटल करना है। स्टेप्स 3, इंश्योर दैट स्टेप्स 2 में जो आईटीसी की टोटल आ रही है शुड बी ग्रेटर देन योर लैप्स आईटीसी। मान लो हमारी लैप्स आईटीसी कितनी थी, 3 लाख रुपए। मैं कहता हूं स्टेप्स 2 में जो आईटीसी आई वो मान लो 5 लाख रुपए आई, आपने अभी तक 5 लाख रुपए की आईटीसी ली अप्रैल 18 से सेप्टेम्बर 18 तक, ये मेरा एक लिमिटेशन है। अगर मान लो ये कम आती है, सपोज करो 2 लाख आती है, तो फिर ये फॉर्मूला या फिर ये लैप्स आईटीसी कितना अमाउंट तक क्लेम कर सकते हैं, आप 2 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। नाउ स्टेप्स फोर क्या है सर, ये यू हैव फाइल्ड द रिटर्न आफ्टर मार्च 18। कई कंपनीज ऐसी है, कई क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने मार्च 18 के बाद कोई रिटर्न ही फाइल नहीं की, तो सर अगेन ये फॉर्मूला कैन नॉट बी अप्लाई टू दोज पीपल हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न आफ्टर मार्च 18। अब सब कुछ ओके है, मैं समझ गया हूं मेरी सारी कंडीशंस फुलफिल्ड है। अब क्या करो सर, जितना आईटीसी आया, जितना पेंडिंग आईटीसी 3 लाख रुपए, और आपने कितना क्लेम किया 5 लाख रुपए, बट वो करंट फाइनेंशियल ईयर का, एग्री कर रहा हूं मैं कहता हूं आप इसको एज्यूम कीजिए कि आपके लास्ट फाइनेंशियल ईयर का आपका मिस हुआ वाला आईटीसी है। आपने जो आईटीसी क्लेम नहीं किया उसको क्लेम किया है, क्योंकि जीएसटीआर 3B में सिर्फ आप अमाउंट डालते हैं सर, आप कहीं पे भी इनवॉइस नंबर, पार्टी का नाम, पार्टी का जीएसटी नंबर कुछ नहीं डालते, यू आर जस्ट पुटिंग द अमाउंट। तो यू हैज टू ट्रीट that amount was not pertain to current financial year, that amount pertain was previous financial year. sir, मैं monthly basis पे recover करता था, जो जो amount मुझे मिलता गया मैं डालता गया, it can be ना, ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा amount आपको 20 अक्टूबर को ही डालना था, correct? तो अब ना आपने क्या किया, अब आपको सिर्फ method जो follow करना है, जो मैं आपको advise करता हूँ, वो LIFO method follow करना है। LIFO का मतलब आपका जो छूटा हुआ figure, पहले आप assume कीजिए जो September 18 में amount है, वो amount आपका last financial year से pertain करता है। से फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो 75,000 रुपए आईटीसी मैंने सितंबर 18 में क्लेम की, तो मैं बोलूंगा 3 लाख में 75,000 रुपए मैंने क्लेम किया सितंबर 18 में, छूटा हुआ आईटीसी। अब वापस पीछे गया, सितंबर से पहले मैंने अगस्त का फाइल किया, तो उसको अगस्त वाले को यूज एज्यूम करूंगा कि वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से पर्टेन करता है। तो काइंडली फॉलो द रिवर्स मेथड इन ऑर्डर टू एज्यूम दैट लैप्स आईटीसी हैज बीन टेकन इन दिस मैनर। अब आपको करना क्या है, ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको ये वापस फाइंड आउट करना है कि अप्रैल 18 से मार्च सितंबर 18 तक जो आपकी एक्चुअल फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी है, एक्चुअल फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी फ्रॉम टैली फ्रॉम 2A, वो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। जितना एडिशनल है वो अक्टूबर का रिटर्न या नवंबर का रिटर्न जब भी फाइल करें उसमें आप लेना मत भूलिएगा, क्योंकि आपने जो ली थी उसको आप यूज कर चुके हो पहले वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो डिफरेंस जो अमाउंट है, जो 3 लाख रुपए का डिफरेंस क्रिएट होगा, उसको आप अक्टूबर नवंबर वाले रिटर्न में ले लेना, क्योंकि उसका टाइम लिमिट कब तक है, उसका टाइम लिमिट तो सर सितंबर 19 है। सितंबर 19 का जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तब तक का टाइम है, तो कोई हरी नहीं है। और इंश्योर करना ये वाली एक्सरसाइज आप एनुअल रिटर्न के पहले फाइल कर दे, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट वहां पे भी दिखाना होगा, उसकी बात हम एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। Thank you very much.